कल हम लोगों ने पढ़ा था क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं एथिक्स के, एक इंडिविजुअल पे, हमारी सोसाइटी पे और एडमिनिस्ट्रेशन पे। एथिक्स के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है और नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है। और कंक्लूजन यही निकला कि बहुत सारे फ़ायदे हैं और जो है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे अच्छे अखलाक के लिए एथिक्स बहुत ज़रूरी है। लेकिन वहीं दूसरे छोर पर हम देखेंगे तो उसके कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं लोगों की आज़ादी उससे छिन जाती है, लोगों की सोच कहीं ना कहीं रुक जाती है और लोग एक ही डायरेक्शन में सोचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यही सारी चीज़ें कल हम लोगों ने पढ़ी। आज हम लोग पढ़ेंगे मोरल प्रोग्रेस। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है जो सिलेबस से हटके है। मोरल प्रोग्रेस, कल एक बार हम बातों बातों में जिक्र किए दो तीन वर्ड्स का। क्या क्या थे वो वर्ड्स? ग्रोथ, डेवलपमेंट, और एक वर्ड था प्रोग्रेस। तीनों वर्ड में जो चीज़ कॉमन है वो चीज़ है चेंज, बदलाव हो रहा है, ठीक है ना। तो मोरल प्रोग्रेस समझने से पहले आपको प्रोग्रेस की मीनिंग समझनी पड़ेगी। मोरल प्रोग्रेस का ऐसे आम भाषा में अगर आप इसका एक अर्थ देखेंगे तो यही निकल के आएगा कि नैतिकता की जो चीज़ें हैं ना, जो नैतिक व्यवस्था है, जो हमारी नैतिकता है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है, यही है मोरल प्रोग्रेस। तो ग्रोथ भी क्या है? ग्रोथ का भी मतलब यही है, बढ़ोतरी हो रही है किसी चीज़ में, जनरल जो सेंस में मीनिंग इसकी आती है। और डेवलपमेंट का मीनिंग भी क्या आती है? हम बोलते हैं हमारी सोसाइटी बहुत डेवलप हो गई है, मतलब सोसाइटी आगे बढ़ गई है, ये भी एक तरीके की क्या है, ग्रोथ है। लेकिन ये तीनों जो है कंप्लीट सिनोनिमस नहीं है, इनकम्प्लीट सिनोनिमस। ये कैसे समझेंगे हम लोग? देखिए एक जो है फ्लो चार्ट बनाते हैं। ये है चेंज, कोई भी चीज़ में बदलाव, वक्त के साथ जो बदलाव हम देखते हैं। ये तो लकी परेशान किया। वक्त के साथ देखिए किसी भी चीज़ में बदलाव आता है, वो कैसा बदलाव होता है? बदलाव जनरली तीन तरीके का आता है। वो तीन तरीके के बदलाव क्या हैं? एक तो आपको दिख सकता है वो है पॉजिटिव, एक आपको दिखेगा नेगेटिव, और तीसरा जो आपको चेंज दिखाई देगा वो होगा न्यूट्रल। पॉजिटिव चेंज क्या चेंज है और नेगेटिव चेंज क्या हो सकता है? नेगेटिव चेंज पहले देखिए, इसमें शॉर्ट में निपटेगा। नेगेटिव चेंज का मतलब है किसी भी चीज़ में डिक्लाइन आ रहा है, एक कोई भी चीज़ में पतन आ रहा है। पतन अगर किसी चीज़ का हो रहा है तो वो भी क्या है, एक बदलाव आ रहा है। अगर हम किसी चीज़ में बहुत आगे थे, बहुत एडवांस थे, उस चीज़ को हमने छोड़ा और बैकवर्ड पॉलिसीज़ को अपनाया, तो इसमें भी एक चेंज आ रहा है। लेकिन वो चेंज क्या है? वो चेंज नेगेटिव आ रहा है, जिससे हम लोग और पीछे जा रहे हैं, हमारा समाज पीछे जा रहा है। या फिर न्यूट्रल चेंजेस जो होते हैं, उन चेंजेस में क्या है, ना हम आगे जा रहे हैं, ना हमें कोई प्लस पॉइंट मिल रहा है, ना नेगेटिव पॉइंट मिल रहा है, ना हम आगे ही बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे जा पा रहे हैं, एक बैलेंस्ड फॉर्म में हम वहाँ पर पड़े हुए हैं। लेकिन जो पॉजिटिव चेंजेस हैं, ये तीन तरीके के होते हैं। वो तीन तरीके के चेंजेस क्या हैं? यही तीन तरीके के जो चेंजेस हैं उसी को बोलते हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। पॉजिटिव ग्रोथ, सेकंड डेवलपमेंट, और तीसरा जो है वो है प्रोग्रेस। तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक ना? पहला उठाइए ग्रोथ। किस चीज को हम ग्रोथ बोलेंगे?
जब भी कोई आप चेंज देख रहे हैं किसी भी चीज में, वक्त के साथ अगर आप चेंज, अगर आपको चेक करना है, बदलाव आपको दिख रहा है पॉजिटिव, यानी कि कोई चीज किसी चीज में बढ़ोतरी हुई है, कहीं गेन हुआ है, तो अगर आपको सोचना है कि ये ग्रोथ है कि डेवलपमेंट है कि प्रोग्रेस है, तो ग्रोथ आप तभी कहेंगे जब उसमें क्वांटिटेटिव टर्म्स में बदलाव आया है। जैसे आपके पास गेहूं की 10 बोरियां थी, आपके पास एक साल बाद 15 बोरियां हो गई। मान लीजिए आप खेती करते हैं, एक एक साल की खेती में आप 10 बोरी गेहूं उगा रहे हैं, अगले साल आप 15 बोरी उगा रहे हैं, ये ग्रोथ हो गई आपकी, डेवलपमेंट नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है, क्वांटिटेटिव बेसिस पे आपके में जो है चेंज आया है। अगले साल आप 20 बोरी उगा रहे हैं, अगले साल 25, फिर 30, इसको बोलते हैं ग्रोथ, ठीक है। और प्रोग्रेस क्या होता है? अच्छा, प्रोग्रेस से पहले इसको ले लेते हैं, डेवलपमेंट को, तब उसके बाद प्रोग्रेस और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। डेवलपमेंट में भी क्वांटिटी देखी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ क्वालिटी भी देखी जाती है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपने अगले एक साल जो है 10 बोरी गेहूं उगाए, अगले साल 15, अगले साल 20, फिर 25, फिर 30, ये आपकी ग्रोथ हो रही है, लेकिन आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आ रहा, आप जो खेती कर रहे हैं उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा, आपके जिंदगी के जीने के तरीके में कोई फर्क नहीं आ रहा, आप वैसे ही जो है परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, कुछ चेंज नहीं आ रहा, और ना आपकी गेहूं की क्वालिटी जो है उसमें कुछ चेंज आ रहा है। लेकिन अगर इन सारी चीजों में भी चेंज आने लगे, आपकी जिंदगी में चेंज आने लगे, आप जो खेती कर रहे हैं उसमें चेंज आने लगे, उसके पैटर्न में चेंज आने लगे, आप जो 10 बोरी गेहूं 8 महीने में उगा रहे थे, आपने नई नए पैटर्न को अपनाया, नई टेक्नोलॉजी को अपनाया, और आप जो है 7 ही महीने में मान लीजिए उगा रहे हैं, बहरहाल एग्जाम्पल दे रहे हैं, हालांकि गेहूं के उगने का जो टाइम है वो तो नेचर के अकॉर्डिंग है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब क्वांटिटी प्लस क्वालिटी के बेसिस पे जो चेंज आएगा उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। इसीलिए जब भी आप समाज की बात करते हैं तो समाज के पर्सपेक्टिव से आप ग्रोथ का जो ये वर्ड है, ग्रोथ वर्ड जो है, ये आप यूज़ नहीं करते। जब भी समाज की बात आती है दो वर्ड आप इस्तेमाल करते हुए दिखेंगे, एक तो डेवलपमेंट, एक प्रोग्रेस। क्योंकि जब आप सामाजिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसमें मूल्यों की भी बात कर रहे हैं, उसमें लोगों के अखलाक की बात कर रहे हैं, लोगों के जीने की तरीके की बात कर रहे हैं। तो जो जीने के तरीके हैं, आपके अखलाक की जो चीज़ें हैं, वो सब क्वांटिटी में तो नहीं गिने जाएंगे ना, वो सब क्या हैं, वो आपकी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। तो जब क्वालिटी जो है उसमें भी बढ़ोतरी हो प्लस क्वांटिटी में भी बढ़ोतरी हो, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट, ठीक है। प्रोग्रेस क्या होता है, तीसरा वर्ड जो है, डेवलपमेंट की जितनी चीज़ें हैं वो सब आप डालिए प्रोग्रेस में, यानी कि इसमें ग्रोथ वाली चीज़ भी आ गई, यानी कि क्वांटिटेटिव टर्म्स में जो बढ़ोतरी है वो भी प्रोग्रेस का हिस्सा है, और क्वालिटेटिव टर्म्स में जो बढ़ोतरी आप देख रहे हैं, जो गेन देख रहे हैं, वो भी प्रोग्रेस का हिस्सा है। प्लस इन दोनों चीज़ों के साथ मोरेलिटी भी देखी जाती है, नैतिकता जो है उसमें शामिल कर दी जाती है, इसको बोलते हैं प्रोग्रेस। तो ह्यूमन सोसाइटी के लिए कौन सा वर्ड बेहतर है, वो है प्रोग्रेस, ना ग्रोथ ना डेवलपमेंट, वो है प्रोग्रेस। क्योंकि ह्यूमन सोसाइटी जो है वो तभी बेहतर तरीके से चलेगी, फंक्शन करेगी, जब तक उसमें मोरेलिटी है, एथिकल सिस्टम। क्योंकि हमारे जो अखलाक हैं, हमारे जो ज़िंदगी जीने का तरीका है, ये सारी चीज़ें कहाँ से जुड़ी हैं, सारी चीज़ें हमारे एथिक्स और मोरेलिटी से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तीनों वर्ड में डिफरेंस समझ में आया ना। तो आज हम लोग को पढ़ना क्या है, मोरल प्रोग्रेस। तो मोरल मतलब नैतिक, और प्रोग्रेस का मतलब आप इस फ्लो चार्ट की मदद से समझ चुके हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब इसके दो एस्पेक्ट होते हैं, मोरल प्रोग्रेस के दो एस्पेक्ट हैं। एक तो मोरल प्रोग्रेस पूरी सोसाइटी के बेसिस पे ले सकते हैं, सोसाइटी एज अ होल, जो भी वैल्यूज़ फॉलो हो रहे हैं, जो भी मोरल वैल्यूज़ फॉलो हो रहे हैं, जो भी आप आइडियल्स को फॉलो कर रहे हैं, नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, उसकी बेसिस पे आप पूरा समाज का एक ओवरऑल मूल्यांकन करते हैं, और आप सोचेंगे कि हाँ सोसाइटी में मोरल प्रोग्रेस हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर नेगेटिव चेंज हो गया, डिक्लाइन हो गया।
और दूसरा एक एस्पेक्ट जो है वो ये कि आप एक इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे, एवरेज ह्यूमन वैल्यू आप देखेंगे, एवरेज ह्यूमन कंडक्ट आप देखिए कि एक एवरेज जो इंसान हमारी सोसाइटी में हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं, जनरल उनका जीवन जीने का तरीका कैसा है, क्या वो मोरालिटी के करीब हैं या लोग जो है बहुत बुराई की तरफ बढ़े जा रहे हैं। ये चीज़ें, दो चीज़ें हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग देख लेते हैं सोसाइटी एज अ होल, मोरल वैल्यूज़, आइडियल्स और नॉर्म्स के पर्सपेक्टिव से। आप अपना दिमाग भी थोड़ा सा लगाइए और सोचिए कि अगर इंडिविजुअल को छोड़ दें, सोसाइटी एज अ होल आप सोचिए, तो आपको क्या लगता है जो हमारे मोरल वैल्यूज़ हैं, जो आइडियल्स हैं, जो हमारा एथिकल सिस्टम है जिस पे हम चले आ रहे हैं, क्या इसमें आपको प्रोग्रेस दिखाई देता है या इसमें आपको कमियां दिखाई देती हैं? तो इसको लेके कई सारे स्कॉलर्स रहे हैं, कई सारे थिंकर्स रहे हैं जिन्होंने अलग अलग अपनी जो है एनालिसिस की अलग अलग, और उस एनालिसिस के हिसाब से अलग अलग कॉन्क्लूजन दिए। जैसे एक नाम आता है लियो टॉल्स्टॉय का, इन्होंने कहा कि अगर हम देखें ओवरऑल सारी चीज़ें, इन्होंने अपने एनालिसिस में पाया कि ओवरऑल मोरल वैल्यूज़ में कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, बल्कि लगातार डिक्लाइन हुए जा रहा है। ये बात इन्होंने कही। इसमें एक और नाम आता है टीएच ग्रीन का। टीएच ग्रीन ने इसके अपोजिट बात की, इन्होंने बोला कि नहीं, डिक्लाइन नहीं हो रहा है, ओवरऑल देखा जाए मोरल वैल्यूज़ और आइडियल्स में या फिर हमारे नॉर्म्स में, हमारे एथिकल सिस्टम में तो प्रोग्रेस हो रहा है, कोई डिक्लाइन नहीं हो रहा। तो हम किसकी बात मानेंगे? तो हम पहुंच जाएंगे अपने शुरुआती क्लासेस में, और आप सोचिए कि अगर ऐसी कॉन्फ्लिक्ट वाली बातें हैं और दोनों महान विद्वान लोग हैं, तो आप इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? जाहिर सी बात है, आप तुरंत पकड़ेंगे कॉन्टिनम अप्रोच। ना ये लियो टॉल्स्टॉय पूरी तरीके से सही होंगे, ना टी एच ग्रीन पूरी तरीके से सही होंगे। और अब अपने दिमाग की जो है गाड़ी दौड़ाइए, और जितने मोरल वैल्यूज़ आप अपने समाज में देख रहे हैं, जितने नॉर्म्स देख रहे हैं, जितने रीति रिवाज देख रहे हैं, जो नैतिक व्यवस्था देख रहे हैं, ये आज जैसी है क्या 100-200 साल, 400 साल, 1000 साल पहले वैसी थी? अगर आज कोई अच्छी व्यवस्था है तो क्या 500 साल पहले वो व्यवस्था थी? या आज कोई बुरी व्यवस्था है तो क्या 500 साल पहले वो बुरी व्यवस्था उस वक्त थी? जब आप सोचेंगे तो आपको इसका जवाब मिलने लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ ऐसी वैल्यूज आपको दिखाई देंगी जो आप प्राचीन टाइम में चले जाएंगे, प्राचीन समय में चले जाएंगे, तो वो दिखेंगी उस टाइम पे और आज के टाइम पे भी दिखेंगे आधुनिक समय में। बहुत सारी ऐसी वैल्यूज आपको मिलेंगी, जस्टिस मिल जाएगा आपको, ठीक ना, फॉरगिवनेस मिल जाएगा आपको, डिसिप्लिन मिल जाएगी आपको, ब्रदरहुड मिल जाएगा आपको। इन सब वैल्यूज़ में कोई बदलाव नहीं दिखाई देगा आपको, तब भी थी, आज भी हैं। तो ऐसी वैल्यूज से हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि प्रोग्रेस हुआ है कि डिक्लाइन हुआ है। अगर तब भी थी और आज भी हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं, बदलाव आया है, बढ़ोतरी हुई है? न्यूट्रल एक मैसेज मिल रहा है आपको। लेकिन कुछ ऐसे भी वैल्यूज हैं जिसमें आपको चेंज दिखाई देगा। एग्जाम्पल के तौर पे, उस टाइम पे कुछ ऐसी वैल्यूज थी जिसकी क्लियर कट कोई मीनिंग नहीं होती थी, या होती भी थी तो उनके हिसाब से होती थी, लेकिन आज के टाइम पे उसकी मीनिंग बदल गई। उस टाइम पे वो बातें किसी और सेंस में कही गई थी, आज के टाइम पे वो बातें किसी और सेंस में कही जा रही हैं। जैसे आज हम लोग बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, वैश्वीकरण, हर चीज़ ग्लोबल हो गई है, यूनिवर्सल वैल्यूज़ की बात करते हैं। एंशियंट टाइम में भी क्या ऐसी वैल्यूज़ थी ग्लोबल यूनिवर्सल? हो सकता है रही हैं। जैसे भारत में एक जो है श्लोक है, बड़ा फेमस है, वसुधैव कुटुंबकम, सुने आप लोग? यानी कि पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। तो जब ये बात कही गई थी कि पूरा विश्व हमारा परिवार है, तो क्या उस टाइम के लोगों के अंदर
विश्व की परिकल्पना कैसी रही होगी? क्या वो लोग जानते थे कि बहुत ज़्यादा पश्चिम में जाएंगे तो हमको एक नॉर्थ अमेरिका मिलेगा? नॉर्थ अमेरिका का तो लोगों को पता पता ही नहीं था। वैदिक टाइम पीरियड में जाएंगे तो लोग समुद्री यात्रा तक नहीं करते थे, तो वेदों वगैरह में ये बातें कैसे लिखी गई? उस टाइम पे वसुधा, वसुधा यानी कि दुनिया, उस टाइम पे उनके लिए वसुधा क्या था? या सिर्फ वही भारतवर्ष ही वसुधा था, क्योंकि उसके तीनों तरफ पानी था और उस पार कभी दूसरे देश वो लोग यात्रा किए नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे। तो उनके लिए वसुधा क्या था? जहाँ पे वो रह रहे हैं वही वसुधा है, यानी कि अगर भारतवर्ष में रह रहे हैं तो वही भारत उनके लिए, क्या है? वसुधा है, यानी कि पूरी दुनिया है, तो वही भारत उनके लिए पूरा परिवार हो गया। अब आज के सेंस में ये बात आपका, ये वसुधैव कुटुंबकम, तो ये क्या हो गया? ये पूरी दुनिया हो गई। ग्लोबलाइजेशन में इसमें जो है पूरी चीज़ें समा गई। तो ऐसी भी कुछ चीज़ें थी जो उस टाइम पे भी कही गई, वो उस टाइम पे भी अपने आप में यूनिवर्सल थी ऐसी वैल्यूज, लेकिन उसकी मीनिंग कुछ और रही होगी। लेकिन वही चीज़ें आज के टाइम पे उसकी मीनिंग कुछ और आ रही है, और ये भी अपने सेंस में यूनिवर्सल है, भले ही वो एक स्पेसिफिक जगह के लिए रहा हो। उनके लिए वसुधा क्या था? भारत मान लीजिए रहा होगा, या जिस एरिया में वो रह रहे हैं उनके लिए रहा होगा। तो इससे भी आप डिक्लाइन का अंदाजा नहीं लगा सकते, प्रोग्रेस का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो ऐसी कुछ वैल्यूज आपको सोचनी पड़ेंगी जिससे एक्चुअल में आपको डिफरेंट जो है आप डिफ्रेंशिएट कर पाए चीज, और इसके लिए आप फिर से इतिहास में पहुंचिए। अब जितना आप जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे ना, वैसे वैसे आपको एक चीज़ पता चलेगी। अब इस टाइम पे जैसे मॉडर्नाइजेशन हो गया, अलग अलग न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई और अलग अलग एरियाज में लोग माइग्रेट करके रहने लगे, जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे ना तो माइग्रेशन बहुत कम आपको दिखाई देगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन और ऐसी चीज़ें थी नहीं, गाँव थे। आज भी गाँव और शहर में आप फर्क करेंगे, बेसिक जो डिफरेंस आपको मिलेगा, आप पाएंगे कि पूरा गाँव ही एक परिवार की तरह रहता है। पेड़ के नीचे शाम में बैठ जाएंगे, बातें करेंगे, आपको शहर में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। शहर में तो ये हाल होता है कि आपके घर के बगल में क्या हो रहा है ज़्यादातर बहुत से ऐसे लोग होते हैं पता ही नहीं होता। तो जो गांव में ये चीज़ है वो कैसे है? ऐसा नहीं है कि वो सीख रहे हैं अलग अलग चीज़ें और इसलिए इकट्ठा रह रहे हैं, नहीं, वो पुरानी चीज़ों को सजोए हुए हैं। जो कलेक्टिवाइजेशन वहाँ पे दिख रहा है, लोग इकट्ठे बैठ रहे हैं पूरा गाँव एक परिवार की तरह, वो पुरानी परंपरा है और उस पुरानी परंपरा को लोग पकड़े हुए हैं। तो आप पीछे जाएंगे ना ऐसे ही, तो पहले यही परंपराएं थी ऐसी, जो जैसे एक वैल्यू है ये कलेक्टिवाइजेशन, एक कलेक्टिविटी लोगों के अंदर थी, ये प्रायोरिटी थी, सब एक थे, सब एक साथ रहते थे। वैदिक टाइम पीरियड में चले जाएंगे तो पूरा 200 सदस्यों का एक परिवार होता था, दादा परदादा सब इकट्ठे रहते थे। मध्यकालीन भारत में जाइए या फिर एंशियंट टाइम पीरियड में जो है अरेबियन पेनिनसुला में जाइए, पूरा कबीला होता था, और कबीला ही जो है उसमें बहुत सारे लोग होते थे और वो एक परिवार की तरह रहते थे, सब इक्वल होते थे, सरदार भी जो है बाकी लोगों की तरह बराबर एक तरीके से होता था, एक कलेक्टिविटी होती थी। लेकिन आज के टाइम पे आप पाएंगे कि कलेक्टिविटी जो है वो खत्म हो रही है, कलेक्टिविटी की जगह इंडिविजुअलिटी ज़्यादा आपको दिखाई देगी, ठीक है ना? अब इंडिविजुअलिटी ज़्यादा दिखने का क्या कॉन्सिक्वेंस है? इसका फायदा ये है कि पहले कलेक्टिवाइजेशन बहुत ज़्यादा था, तो इंडिविजुअल के ओपिनियन को उतनी तरजीह नहीं दी जाती थी, लेकिन आज के टाइम पे इंडिविजुअल के ओपिनियन को ज़्यादा तरजीह दी जाती है। जैसे जेस मिल ने बोला कि 100 लोग एक 99 लोग एक ही बात कर रहे हैं, तो एक जो है वो जो अलग ओपिनियन लिए हुए हैं उसकी भी एक अपनी वैल्यू है। इंडिविजुअल राइट्स की बहुत बातें होती हैं, हर एक व्यक्ति के अधिकार की बातें होती हैं। एबॉर्शन की बात आएगी तो जो बच्चा भी पेट में है अभी समझिए कि वो पूरी तरीके से बना भी नहीं है, उसके अधिकार की भी बातें होती हैं। ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी, तो ये एक चेंज दिखाई देगा, और इस चेंज को आप डीपली सोचेंगे, बारीकी से सोचेंगे, तो आपको एक प्रोग्रेस वाली चीज़ इसमें दिखाई देगी कि पहले जब कलेक्टिवाइजेशन बहुत ज़्यादा था तो इंडिविजुअल के जो अपने ओपिनियन होते थे वो गायब हो जाते थे, उनकी अपनी जो सोच होती थी वो गायब हो जाती थी, अपने विचार वो खुल के रख नहीं पाते थे, उन जिनके अलग विचार होते थे, जिनकी अलग बातें होती थी, जिनकी कुछ अलग सोच होती थी, जो अपना कुछ अलग से करना चाहते थे, वो कलेक्टिवाइजेशन की वजह से, कलेक्टिविटी की वजह से खुल के कुछ कर नहीं पाते थे, तो उनके लिए एक वो बड़ा ही पीड़ादायक एक व्यवस्था हो गई थी।
लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये चीज़ें बदली और एक इंडिविजुअल को महत्व दिया गया, एक इंडिविजुअल के एक व्यक्ति विशेष के अधिकारों को तरजीह दी गई, इम्पोर्टेंस दी गई। अब इस सेंस में आप सोचिए तो आपको क्या जवाब मिला? जवाब आपको मिला कि TH ग्रीन जी की बात सही है, मोरल वैल्यूज़ के हिसाब से देखा जाए तो समाज में प्रोग्रेस दिखाई देता है, ठीक है ना? इसके अलावा भी और कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं कि पहले डिस्क्रिमिनेशन वगैरह बहुत ज़्यादा था। लेटर वैदिक पीरियड में आप भारत का एग्जांपल लीजिए तो वहाँ पे महिलाओं को जो है श्लोक पढ़ने की आज़ादी नहीं होती थी, महिलाओं को जो है शादी से पहले लड़का पसंद करने की आज़ादी नहीं होती थी, छुआछूत जैसी चीज़ें होती थी, शूद्रों को और महिलाओं को कोई भी वेद वगैरह पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। ये सारे भेदभाव थे, ऐसी वैल्यूज़ थे। और वो भेदभाव क्या, वो उस टाइम बुरा नहीं माना जाता, उस टाइम पे वो क्या थी, वो उनकी वैल्यूज़ थी, समाज की वैल्यूज़ थी जो धर्म से जुड़ी हुई थी, तो उसके खिलाफ कोई बोलेगा भी नहीं। उनके हिसाब से वही व्यवस्था है और उस व्यवस्था को पालन करना हमारा धर्म है, तो उसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, ये सारी चीज़ें थी। ज़माना जाहिलियत में आप चले जाइए अरब में, उस टाइम पे वहाँ पे बहुत सारी बुरी बुरी चीज़ें थी। लेकिन टाइम धीरे धीरे बदला और ये छुआछूत जैसी चीज़ें खत्म हुई, लोग मिलजुल के रहना शुरू किए, ब्रदरहुड जैसी चीज़ें आईं, मॉरल राइट्स जैसी बातें आईं, कमज़ोर तबके के लोगों को ऊपर उठाने की बातें आईं। इस सेंस में भी हम लोग कह सकते हैं कि TH ग्रीन की बात सही है, समाज में प्रोग्रेस हुआ है अगर मॉरल वैल्यूज़ के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो, कोई पतन नहीं हुआ, ठीक है ना? कोई कंफ्यूजन है? कोई बोलेगा नहीं तो पूछने की मतलब पूछने का फायदा भी नहीं। चलिए कोई नहीं, ठीक है। लेकिन इन सारी चीजों से यह साबित हो गया कि प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन जो चीज़ आपके नोट्स में नहीं लिखी मिलेगी उसको भी अब एक बार नज़रिया अपना बदल दिया। अब जो कलेक्टिवाइजेशन की बात थी कि वो चीज़ चेंज हुई और इंडिविजुअलिटी की तरफ लोगों ने कदम बढ़ाया, एक व्यक्ति विशेष को महत्व दिया गया, तो वो व्यक्ति विशेष को महत्व देना ही अपने आप में नैतिक व्यवस्था के खिलाफ चीज़ें चली गई। 1980s 1990s का जो दौर है वहाँ से आप देखेंगे कि इंडिविजुअलिटी जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी, ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा। फेमिनिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा, जो इसी पे बेस्ड है, इंडिविजुअलिटी पे। मेरी मर्ज़ी, मेरा शरीर, हम जो चाहे पहने, मेरी मर्ज़ी, मेरा मन, हम जो चाहे करें, ऐसी बातें सुनी होंगी आप लोगों ने। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें हमारे एथिकल सिस्टम से दूर लेके जा रही हैं। तो अगर इसका एक पॉजिटिव साइड है तो इसका एक नेगेटिव साइड भी है कि हम इंडिविजुअल को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, हम सोसाइटी एज अ होल को छोड़ के, कलेक्टिवाइजेशन को छोड़ के, एक इंडिविजुअल जो चाह रहा है उसकी बात को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं। और एक इंडिविजुअल जो चाह रहा है वो ज़रूरी नहीं कि हमेशा सही चाह रहा हो सकता है उसके हिसाब से वो चीज़ सही हो कि हाँ मेरी बॉडी, मेरी मर्ज़ी, हम नंगे घूमें, मेरी मर्ज़ी, लेकिन उसके वैसे घूमने की वजह से सोसाइटी पे एक कलेक्टिव फॉर्म में देखेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है ना? तो ये फिलोसफी से हट के बातें, आपके सब्जेक्ट से हट के बातें, फिलोसफर्स जो है ये आपका अपना नोट्स पढ़ेंगे तो ये साइड आपको नहीं मिलेगी उसमें। तो ये अपने आप में एक नैतिक पतन का एक जो है हिंट दे रहा है। तो यहाँ पे लियो टॉल्स्टॉय की बात भी जो है सही लग रही है कि डिक्लाइन हो रहा है। कल हम लोगों ने बातें की फोन की, फैमिलीज की, पहले फैमिलीज के पास बहुत वक्त होता था, अपने बच्चों को पूरा टाइम देते थे, अच्छे संस्कार होते थे, अच्छे वैल्यूज़ दी जाती थी। आज के टाइम पे टाइम ही नहीं है माँ बाप के पास बच्चों के लिए, ये भी अपने आप में एक सोशल डिक्लाइन का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पहले बच्चों के संस्कार देखिए, लोग गाली गलौज और इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहते थे, आजकल कई सारे ऐसी फैमिलीज मिलेंगी जहाँ पे भाई बहन खुद जो है, हम जो है सुने हैं एक बार कि एक लड़का था 22-15-20 साल का रहा होगा, उसका छोटा भाई अभी 2-2.5 साल का, मतलब बच्चे बोलना शुरू करते हैं ना, तो बोलना अभी वो शुरू किया था, तो वो उसके धीरे से कान में कह रहे, गाली बता रहे कि एक बार दे के दिखा दो, तो वो उसके कान में बोला, फिर वो 2 साल का बच्चा
तोतली आवाज में गाली दी और फिर वहां पे खड़े 10 लोग हंसने लगे। ये भी क्या है, ये भी मॉरल वैल्यूज का एक डिक्लाइन ही तो है ना। तो इस तरीके से आप किसी कॉन्क्लूजन पे पहुंचेंगे ही नहीं। अगर किसी चीज़ में प्रोग्रेस हुआ है, टेक्निकली हम एडवांस हुए हैं, समाज में बहुत सारी चीज़ों में हम लोग आगे बढ़े हैं, तो मोरली देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ों में हम लोग पीछे भी गए हैं। तो कॉन्टिनम अप्रोच फॉलो करिएगा आप यहाँ पे, और आप अपने हिसाब से सोचिएगा कि कौन कौन सी ऐसी वैल्यू सिस्टम हैं जो बेहतर हुई हैं पहले से, और कैसे कौन सी ऐसी वैल्यू सिस्टम हैं जो बेहतर नहीं हुई हैं, कौन सी ऐसी वैल्यू सिस्टम हैं जो अभी तक बनी हुई हैं वैसे की वैसे ही। तो क्वांटिनम अप्रोच के लिए स्केल बनाइएगा, आप ऐसी देखिएगा जो लगभग इक्वल हैं, तो उसमें आप डाल दीजिए ब्रदरहुड, डाल दीजिए जस्टिस, डाल दीजिए, ठीक है ना। या कुछ ऐसी चीज़ें डालनी हैं जैसे कि अगर वैल्यूज़ में कुछ बदलाव, अगर आपको चेंज देखना है, तो आप पाएंगे कि एंशियंट टाइम में आपको करेज जैसी वैल्यू आपको ज़्यादा दिखेगी, ब्रेवरी, बहादुरी जैसी वैल्यूज़ मूल्य ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि उस टाइम पे वॉर वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे, तो लोगों को ये सारी चीज़ें उनके अंदर होती थी। लेकिन आज के टाइम पे करेज, ब्रेवरी, ये सब चीज़ों का उतना महत्व नहीं दिखेगा। इस टाइम पे लोग बोलेंगे कि हाँ केयर करो, लव है, माफ़ी देना है, भाईचारा है, ये सारी चीज़ों को महत्व ज़्यादा दिया जाता है। और ये भी एक चेंज दिखाई दे सकता है कि उस टाइम पे वही वैल्यू उस टाइम पे भी रही हो और वही वैल्यू आज के टाइम पे भी है, लेकिन उस टाइम पे उसकी मीनिंग अलग थी। जैसे कि वसुधैव कुटुंबकम का बताया ना, अब ऐसे कोई भी एक सिंपल वैल्यू ले लीजिए, जैसे कि रिस्क ले लीजिए, रिस्क, रिस्क एक वैल्यू है। तो मान लीजिए कि आप 1500 साल पहले चले जाइए, तो उस टाइम पे अगर आप बोल रहे हैं कि रिस्क लेना है, तो वो रिस्क सिर्फ एक होता था, वो रिस्क होता था युद्ध में अपनी जान देना, है ना, हिम्मत होना सेना में शामिल होने की और अपनी जान का जो है डर न होना, वो एक रिस्क है, एक करेज है। लेकिन आज के टाइम पे रिस्क क्या है? आज के टाइम पे रिस्क है कि आप जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, हार्ट अटैक से हो सकता है गिर जाएं अगले दिन। आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, 2 लाख रुपए आपने लगाए, 1 करोड़ लगाए, हो सकता है वो ना चले और अगले हफ्ते आप रोड पे आ जाएं, ये रिस्क है। तो वैल्यू क्या है, सेम है, लेकिन मीनिंग जो है बदल गई वक्त के हिसाब से, ठीक है। तब आप लोग जो है एक स्केल बनाइएगा और आप लोग सोचिएगा कि सोसाइटी एज अ होल, हमारी मॉरल वैल्यूज़ में, मॉरल आइडियाज़ में, मॉरल आइडियल्स में, मॉरल जो हमारे सिस्टम है, जो हमारा पूरा एथिकल सिस्टम है, उसमें किस हद तक प्रोग्रेस आया है, और अगर डिक्लाइन भी आया है तो किस हद तक डिक्लाइन आया, ठीक है। तो सोचिएगा आप लोग इसके बारे में। इसके अलावा जो सेकंड एस्पेक्ट है वो है इन टर्म्स ऑफ एवरेज ह्यूमन कंडक्ट। इंडिविजुअल लेवल पे हम अगर देखें तो क्या आपको लगता है, हर इंसान जो है प्रोग्रेस किया है या लोग जो है और कमियों की तरफ बढ़े हैं, बुराइयों की तरफ बढ़े हैं? तो इसको एक जो है ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं हम लोग। ये लीजिए जो है पॉपुलेशन, ये रुकिए लिख ही देते हैं पूरा। पॉपुलेशन का ये परसेंटेज लीजिए और ये लीजिए मोरालिटी और इमोरालिटी का। मान लीजिए कि ये हाईली मोरल है और इधर हाईली इमोरल। तो अब अपने समाज में एक नज़र मारिए, तो जो फिलोसफर्स थिंकर्स रहे हैं उन्होंने क्या ग्राफ बनाया लोगों का, वो देखिए। बहुत ही ऐसे कम लोग हैं, बहुत ही कम जो पॉपुलेशन है उसका बहुत ही कम परसेंटेज ऐसा है जो बहुत मोरल है, और बहुत ही कम ऐसा परसेंटेज है, लगभग 5% जो इमोरल है, और उतने ही लोग ऐसे हैं
जो कि बहुत मोरल है। लेकिन ये वाला बिल्कुल पीक पे चला गया ना, ये देखिए, ये लगभग 90% पॉपुलेशन को डिनोट कर रहा है। तो ये 90% पॉपुलेशन क्या है, आप ये देखिए, लाइन खींचिए, ये ना मोरल है ना इमोरल है, यानी कि एवरेज है मोरालिटी के कंटेक्स्ट में, ठीक ना। तो अगर एक इंडिविजुअल के बेसिस पे अगर देखना हो कि हमारा हमारे समाज में व्यक्ति, एक व्यक्ति विशेष किधर जा रहे हैं, उनमें प्रोग्रेस हो रहा है या डिक्लाइन हो रहा है, तो ना प्रोग्रेस बहुत दिख रहा है ना बहुत डिक्लाइन दिख रहा है। कोई भी ऐसा इंसान जो है एवरेज अगर आप देखें, तो आप ये नहीं कह सकते किसी भी सोसाइटी को रे कि इस सोसाइटी में बहुत विद्वान लोग रह रहे हैं, बहुत ही महान और नैतिकता से भरे हुए लोग हैं, जिनके अंदर सुपर ईगो है, महात्मा है। महात्मा जैसे लोग क्या भरे रहते हैं समाज में, सोसाइटी में? नहीं, बहुत ही कम परसेंट उन लोग का होता है। और वैसे लोग देखिए, क्रिमिनल्स हो गए, वो लोग जो इमोरल काम करते हैं, अनैतिक काम करते हैं, तो उनका परसेंटेज भी आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिखेगा। वो भी 2-4%, 5%, 10% के आसपास होते हैं, रेपिस्ट होते हैं, मर्डरर्स होते हैं। तो एवरेज जो आप देखेंगे हमारी सोसाइटी में, वो 90% जो लोग होते हैं, वो ना तो हाईली मोरल होते हैं, बहुत ज़्यादा नैतिक भी नहीं होते, बहुत ज़्यादा अनैतिक भी नहीं होते। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जो सफ़र है ना, हाईली इमोरल का मतलब क्या हो गया, ये इड वाले लोग हैं, और हाईली मोरल का मतलब क्या हो गया, ये सुपर ईगो वाले लोग हैं। तो जो इड से सुपर ईगो का सफ़र है ना, वो बहुत टफ सफ़र होता है। इड और सुपर ईगो का जिक्र बार बार आता है। वो सारे लोग जो इमोरल काम करते हैं, जो रेपिस्ट हैं, मर्डरर्स हैं, वो सब किसको फॉलो कर रहे हैं, अपने ज़मीर को, जो ज़मीर है ना, एक्चुअल जो ज़मीर है सुपर ईगो वाला, कि नैतिकता के हिसाब से सोचें क्या सही है क्या गलत, वो इस्तेमाल ही नहीं करें, वो इड का इस्तेमाल कर रहे हैं। वक्ती तौर पे उनको जो सही लग रहा है वो कर रहे हैं। तो इड से सुपर ईगो का जो सफ़र है, जो सोशलाइजेशन चाहिए एक्चुअली में, जो डिफरेंशिएशन चाहिए सोच में, वो फ़र्क कर पा रहे हैं कि ये चीज़ नैतिक है, ये चीज़ अनैतिक है, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, ये डीप थिंकिंग बहुत कम लोग करते हैं। और जो लोग कर पाते हैं, वही धीरे धीरे सुपर ईगो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन हमारे समाज का एवरेज आई जो IQ है, वो एवरेज है, वो इतना गहन अध्ययन करते नहीं हैं। लोग अपनी ही ज़िंदगी में बिजी रहते हैं, अपनी परेशानियों में मुब्तिला रहते हैं, डीपली चीज़ें सोचते ही नहीं हैं। तो जो एवरेज कंडक्ट आप देखेंगे ह्यूमन का, वो न बहुत ज़्यादा मोरल दिखेगा, न बहुत ज़्यादा इमोरल दिखेगा। लोग अपनी ज़िंदगी में खाते हैं, कमाते हैं, पीते हैं और मर जाते हैं। यही है ना जनरल परसेप्शन सोसाइटी का। आवाज जा रही है, समझ में आ रहा है आप लोग को कुछ? ठीक। तो अगर इसका कॉन्क्लूजन निकालना हो तो क्या निकालेंगे आप? कॉन्क्लूजन कॉन्क्लूजन यही निकलेगा कि जो मोरल लोग हैं समाज में, उतने ही लगभग इमोरल भी लोग हैं, उतने ही लगभग नॉन मोरल लोग भी हैं, लगभग दोनों इक्वल हैं। और आज के टाइम पे भी आप देखिए, या फिर पास्ट में चले जाइए, प्राचीन भारत में देखिए, प्राचीन दुनिया में देखिए, या मध्यकालीन भारत में देखिए, हर जमाने में, हर वक्त में आपको दिखेगा कि दोनों तरीके के लोग जो है मिलते हैं। उतने ही लोग मिलेंगे आपको अच्छे काम करने वाले, उतने ही लोग मिलेंगे आपको बुरे काम करने वाले। हो सकता है उस टाइम पे बुराई का सेंस कुछ और रहा हो, आज के टाइम पे बुराई का सेंस कुछ और है ना। पहले जैसे युद्ध वगैरह होते थे, या जो भी गलत चीज़ें होती थी, आज के टाइम पे भी गलत चीज़ें होती हैं, आज भी युद्ध होते हैं। आज तो एटम बम जो है पूरा उड़ा देते हैं, पूरा शहर गायब हो जाएगा। हिरोशिमा नागासाकी देखिए क्या हुआ, आज तक लोग भुगत रहे हैं ना। तो वो भी तो एक तरीके की बुराई ही है। तो पहले भी ऐसी चीज़ें होती थी, आज भी ऐसी चीज़ें होती हैं। पहले क्या होता था, पहले आज भी ये युद्ध में फॉलो किया जाता है कहीं कहीं। पहले ये होता था ना कि जब दुश्मन की सेना आगे बढ़ती थी, तो जितने कुएं वगैरह होते थे रास्ते में, खाने पीने की चीज़ें होती थी, सब में कुछ जहर वगैरह मिला दिया जाता था, ताकि वो पानी पीते ही मर जाएं या कुछ खाते ही मर जाएं। आज के टाइम पे भी ये फॉलो होता है। आज के टाइम पे हो सकता है पानी में बैक्टीरिया मिला दिए जाते हैं, टाइफी के बैक्टीरिया मिला दिए जाते हैं। एक ऐसा ही केस हुआ था, फेमस केस था, अचानक याद आ गया, सुन लीजिए बस। एक नाम आता है ओशो का, ओशो रजनीश,
एक जो है दार्शनिक थे भारत के, तो उनकी एक शिष्य थी, आई थिंक शीला नाम था या क्या नाम था, नाम नहीं याद है उनको। अमेरिका में ये लोग इलेक्शन लड़ रहे थे और इलेक्शन में जीतने के लिए उनके शिष्य ने ऐसे ही लोगों के खाने में शायद कुछ मिला दिया था, कोई ऐसे बैक्टीरिया या कुछ था, कुछ भी ऐसे थे, और उसकी वजह से सारे लोग बीमार हो गए थे। और इसका मकसद ये था कि वो लोग वोट ना देने जाएं और ओशो रजनीश जो है या उनकी जो भी पार्टी है, जो उनका गुट है, वो जीत जाए। तो प्रेजेंट टाइम में भी ये चीज़ें होती हैं, तो पास्ट में भी ये चीज़ें होती थी, आज के टाइम पे भी चीज़ें होती हैं। पहले लोग जहर मिला देते थे, जड़ी बूटी रहती होगी, आज के टाइम पे बैक्टीरिया मिला देते हैं। ऐसे एक बैक्टीरिया तो वो था, मेरे ख्याल से सलमोनेला टाइप ही था, टाइफाइड का या टीबी था, ट्यूबरक्लोसिस का, हमको याद नहीं एग्जैक्ट, नहीं दोनों में से कुछ था। बौर चल रही थी और उसमें कुएं में यही बैक्टीरिया मिलाया गया था, ताकि जो दूसरा गुट है, जो दूसरी दूसरी देश की सेना है, वो पानी पी के बीमार हो जाए और सफल ना हो सके। ठीक है ना, तो चीज़ें वही हैं, बस तरीके में थोड़ा सा बदलाव आपको दिखेगा, बट फिर भी थोड़ा बहुत चेंजेस आपको दिखाई देंगे। हो सकता है कि पास्ट में वही चीज़ करने के लिए ज़्यादा बर्बर तरीका इस्तेमाल किया जाता था, आज के टाइम पे वो बर्बरता नहीं दिखी। मंगोलों ने क्या किया, मान लीजिए 10 लाख मुसलमानों का गला काट के पहाड़ बना दिया, तलवार से काटा और कितना बर्बर लग रहा है, लेकिन आप एक बम गिरा दे रहे हैं, 2 करोड़ लोगों को मार दिए बम से, उससे बुरा है, लेकिन वो बर्बर नहीं लग रहा है ना। तो चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं, शायद पैटर्न बस इम्प्रूव हुआ है, लेकिन कमियां आज भी हैं, बुराइयां अभी भी हैं। हो सकता है पहले स्लेवरी बहुत ज़्यादा थी, सती प्रथा जैसी चीज़ें थी, लोगों को बराबर अधिकार नहीं मिल रहे थे, गुलामी ऐसी होती थी कि लोगों को जान से हाथ धोना पड़ता था, तो स्लेवरी ख़त्म हो गई, स्लेवरी जो है इलीगल डिक्लेयर हो गया। लेकिन समाज में अगर आप जाएंगे, बड़े शहरों में जाएंगे, जो बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ पे जो महिलाएं काम करती हैं, वो किस तरीके से ज़िंदगी जीती हैं, वो तो दिन भर आपके घर में आपके बच्चों की परवरिश में गुजार देते हैं, उनकी फैमिलीज उनके बच्चों का क्या। आप पाएंगे कि वैसे ही महिलाओं के बच्चे, जो महिलाएं दूसरी जगह काम करती हैं, अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं कर पाती, वही बच्चे आगे चल के चोरी चकारी और क्रिमिनल जैसी क्राइम जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो भी तो अपने आप में बुरा है। तो अगर एक तरफ हम कुछ अच्छी चीज़ें देख रहे हैं, स्लेवरी ख़त्म हुई और एक अच्छी जगह वो जॉब कर रही है, उसको पैसे मिल रहे हैं, तो दूसरी तरफ नैतिकता के लेवल पे अगर देखा जाए, मोरालिटी के लेवल पे, तो उसमें कमी भी है, जिससे पूरे समाज को नुकसान हो रहा है। हम लोग ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स जो है आज ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इंसानी हकूक की बातें की जाती है ना, पूरी दुनिया में बातें होती हैं ह्यूमन राइट्स की, यहाँ तक कि जेल में जो कैदी होते हैं उनके भी ह्यूमन राइट्स की बात की जाती है, कि वो अच्छे से उनको खाना मिल रहा है कि नहीं, अच्छे से सो रहे हैं कि नहीं। लेकिन उन्हीं ह्यूमन राइट्स की वजह से वही वाली बातें अभी थोड़ी देर पहले बोले ना, मेरी मर्ज़ी, मेरी बॉडी, मेरी मर्ज़ी, मेरी ज़बान, जो करना है करेंगे। तो ह्यूमन राइट्स से समाज में एक प्रोग्रेस दिखाई दे रही है, एक व्यक्ति विशेष में हो सकता है प्रोग्रेस दिखाई दे, लेकिन उसी की वजह से एक नैतिक पतन भी है। ठीक है, तो कॉन्क्लूजन इसका अगर आपको निकालना हो तो आप यही निकालेंगे कि जो मॉरल प्रोग्रेस है ना, हम इसका एक सटीक जो है पैरामीटर हम नहीं डिसाइड कर सकते, एक सटीक कॉन्क्लूजन नहीं निकाल सकते, क्योंकि मॉरल प्रोग्रेस एक जर्नी है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। जब भी हम किसी पोजीशन पे पहुँचेंगे, किसी लेवल पे पहुँचेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी, अभी आगे रास्ता और है। जैसे अभी कई सारे एग्जांपल दिए ना प्राचीन टाइम के और आज के टाइम के, तो आप पाएंगे कि उस टाइम पे भी चीज़ें थी, आज के टाइम पे भी चीज़ें, कुछ के पैटर्न बदल गए, कुछ का नाम बदल गया, कुछ के तरीके बदल गए, कुछ की मीनिंग बदल गई, लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं चल रही हैं, या फिर वो चीज़ें ख़त्म करके कोई नई चीज़ आ गई। स्लेवरी को हमने ख़त्म किया तो एक बड़ी सी बिल्डिंग में भी हम गुलामी ही करवा रहे हैं। स्लेवरी को ख़त्म किया, फिजिकल जो टॉर्चर देते थे उस टाइम वो ख़त्म कर दिया, लेकिन फिजिकल टॉर्चर ख़त्म करके हमने जिससे काम करवा रहे हैं उसकी फैमिली का एक नैतिक पतन का एक डोज दे रहे हैं, एक वजह दे रहे हैं, सिर्फ रूप बदल गया। तो कुछ चीज़ों में आपको प्रोग्रेस दिखाई देगा, कुछ चीज़ों में नहीं दिखाई देगा। इसके अलावा जो है, मतलब आप बेसिकली यही समझने की बात है, कॉन्क्लूजन यही निकलेगा कि
टोटेलिटी पे अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल बेसिस पे आप कह सकते हैं कि प्रोग्रेस दिखाई दिया है, इंडिविजुअल बेसिस पे आप कह सकते हैं कि प्रोग्रेस आपकी सोसाइटी में दिख रहा है। लेकिन अगर कॉन्टिनम अप्रोच के हिसाब से देखेंगे तो आपको कोई सटीक आंसर आपको नहीं मिलेगा, ना पूरी तरीके से डिक्लाइन बता सकते हैं ना पूरी तरीके से प्रोग्रेस बता सकते हैं, और आपको यही जवाब देना पड़ेगा, यही जवाब मिलेगा भी, देना नहीं पड़ेगा, यही जवाब मिलेगा भी कि मॉरल प्रोग्रेस एक जर्नी है, वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। जब तक हम लोग हैं, जब तक समाज चल रहा है, जब तक दुनिया चल रही है, लोग चीज़ें सीखते रहेंगे, करते रहेंगे, बुरी आदतें छोड़ेंगे, नई चीज़ों को पकड़ेंगे, अच्छी चीज़ों को पकड़ेंगे, और जो बुरी आदतें हैं हो सकता है आगे चल के उसका बस फॉर्म चेंज हो जाए, तब भी बुरी चीज़ें रहेंगी। जाहिर सी बात है, जब तक दुनिया है बुराई भी रहेगी, और आज के टाइम पे बुराई बहुत तेज़ी से बढ़ भी रही है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। बस हमारा रोल इतना है कि हम वक्त के साथ चीज़ें बदलें, वक्त के साथ चलें, वक्त के साथ बदलाव लाने की कोशिश करें, ठीक है ना? आपके नोट्स में एक लाइन मिलेगी, लिखा हुआ है कि द जर्नी ऑफ मॉरल प्रोग्रेस डज नेवर चेंज एज द प्रॉब्लम्स दैट अपीयर टुडे मे नॉट बी देयर इन नेक्स्ट 100 ईयर्स ऑफ टाइम, द प्रोग्रेस विल ऑलवेज कंटिन्यू। यानी कि मॉरल प्रोग्रेस की जो जर्नी है वो कभी बदलेगी नहीं। जैसे आज प्रॉब्लम हमें नजर आ रही है, हो सकता है अगले 100 साल बाद वो प्रॉब्लम हमें ना दिखे, भले वो प्रॉब्लम ना दिखे, लेकिन जो प्रोग्रेस है वो हमेशा जारी रहेगा, ठीक है? यही इसका कंक्लूजन है। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत है?